Citylive, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, हम आज इस महामारी से कितने ग्रसित हैं, कितने पीड़ित हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश विदेश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, मेडिकल सर्विसेज बहुत इम्प्रूव्ड हैं, वहाँ भी वो लोग बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठे हैं। उनसे भी वो जितनी महामारी है, जितनी भवाव है, वो उनसे नहीं संभल पा रही है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है जो उनको कंट्रोल से बाहर हो रही है। आप सोचें कि जब वो इतने एडवांस मेडिकल सेंटर्स हैं, एडवांस हॉस्पिटल्स हैं उनके पास, उसके बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बाई चांस हमारे पास हो जाती है, बढ़ जाता है, तो हम कैसे बचाव करेंगे? तो मेरा मानना ये है, आपसे गुजारिश है, आप सोचो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इतने गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे विनती करनी पड़ रही है कि आप अपने आप को एक दूसरे से बचा के रखो। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक ही इलाज बचा है, क्योंकि हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, इतना मेडिकल सर्विसेज नहीं है, बाई चांस हमारे पेशेंट बढ़ गए तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होंगी जो हम पेशेंट को दे पाएं। मेरा आपसे विनती है कि आप किसी भी तरह से एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें और एक दूसरे को ये समझाएं कि कोई बात नहीं, 20 दिन 21 दिन जो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यदि उस पीरियड में हम अकेले अलग अलग रहते हैं तो कम से कम हम एक दूसरे को इस बीमारी के फैलाने से रोक सकते हैं, वही हमारे पास बचाव है। लेकिन आप नहीं तो आप ये सोच के चलना कि जैसा USA जैसे अमेरिका में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, स्पेन में हो रहा है, जो इतने बड़ी बड़ी कंट्री हैं, इतने एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, वो लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोच के चलो, यदि हमारे बॉम्बे की झुग्गी झोंपड़ियों में या क्राउडेड एरिया में इस तरह का वायरस फैल गया तो हमारे पास ट्रीटमेंट देने को कुछ नहीं होगा, हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और जो हमारे जो पॉपुलेशन है वो इतना, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन में फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। हम लोग इतने वीडियो देख रहे हैं, इतने लोगों से कांटेक्ट में हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि वो क्यों फैला वहाँ पे, तो हो सकता है कि वहाँ की एक पॉलिटिकल सोच ऐसी रही हो कि कोई ख़ास बात नहीं है, हो जाएगा, हम बड़े एडवांस हैं, लेकिन वो हो सकता है उनकी भूल हो, बाद में जाके उनको पता लगा कि हमारे से भूल हो गई, तब तक वो इतने दूर हो चुके थे, तब तक नंबर ऑफ पेशेंट बहुत बढ़ चुके थे। इसीलिए अच्छी बात है कि हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, या उनके मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, बिजनेस इंडस्ट्री हो, सारे लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे लोग इतने आपस में कोऑर्डिनेट करके सारे एक बार की तरह लड़ रहे हैं। तो मुझे आपसे विनती है कि आप लोग इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी ऐसे निभा सकते हैं कि आप कम से कम अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, उनको सबको ये मैसेज फैलाएं कि कम से कम एक दूसरे से मिलें, हाथ नहीं मिलाएं, दूर रहें, और हमें क्या करना है अपने आगे 50 साल बचाने के लिए, यदि हम 21 दिन बाहर रहते हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। सरकार ने हमारे लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं, खाने का इंतजाम किया हुआ है, बेसिक एसेंशियल सर्विसेज का इंतजाम किया हुआ है। अब आप ये देखेंगे हमारे हेल्थ केयर में सारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे लोग इस सब कंडीशन के बावजूद भी जहाँ पे कोरोना है, जहाँ वायरस है, जिस कंडीशन को हमें कंट्रोल करना है उसमें लगे हैं, 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहे हो। तो आप लोग सुरक्षित कब रहेंगे? जब आप घर में रहेंगे। हमारी एक आपसे विनती है कि आप घर में रहें और किसी तरह का ऐसा कोई बर्ताव ना करें कि जिसकी वजह से पुलिस को या किसी को कोई ऐसी एक्शन उठानी पड़े, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य आपको बचाना है, ना वो अपने लिए पर्सनल कर रहे हैं, ना कोई डॉक्टर अपने लिए कर रहा है, सारे लोग इसीलिए सोच रहे हैं। किसी तरह के ये जो चेन बनी हुई है, जो चेन बनी हुई है वायरस को फैलाने की, वो चेन किसी तरह से रुक जाए। मेरी प्लीज़ आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, और जब भी कहीं जाना हो तो एक बार जाके बहुत ज़्यादा असेंशियल सर्विस हो तो ही जाना है। अब आप सोचो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी ने कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड में मैसेज दिया है कि घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना है, क्योंकि एक बार लक्ष्मण रेखा आप लांगी तो आपकी पूरी कंडीशन तबाह हो जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि वायरस, हमें नहीं पता कि हम किससे मिल रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे अकेले से क्या होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि जिससे हम मिल रहे हैं वो कितने लोगों से मिल के आया है, कहाँ कहाँ से वायरस चल के आया है। तो प्लीज़, ये आप समझ नहीं रहे हो कितनी बुरी हालत है,
एम्स में और इनमें ये 24 घंटे पॉलिसी बना रहे हैं कि कैसे बचा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट नहीं ला सकते हैं। सारे लोग अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं। आपने ब्रिटेन के, यूएस के, इटली के वीडियोस देखे होंगे, आप सोच के देख के थर्रा जाएंगे जिस कंडीशन में वो लोग हैं अभी। उनके रोड पे आईसीयू चल रही है, बेड्स रोड पे हैं, रोड मेडिकल सर्विसेज बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी हैं। 24 घंटे काम करके दो महीने से बिल्कुल डॉक्टर्स, स्टाफ सब लोग थक गए हैं। किसी को उनको ये सोचना पड़ रहा है कि कौन से पेशेंट को वेंटिलेटर लगाएं, कौन से पेशेंट को वेंटिलेटर ना लगाएं। इससे भयावह स्थिति क्या हो सकती है? आप सोचो जब वहाँ ये हालत है तो हमारे देश में हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास एक ही हथियार है, वो अभी है। हमारे पॉलिटिकल स्ट्रांग विलनेस की वजह से जो डिसीजन वो लोग लेट ले पाए या जिन्होंने लेट नहीं लिया, वो डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ले लिया। हमें इसको सपोर्ट करना है। आप घरों में रहें, आपका ये बहुत बड़ा सपोर्ट आपको एक आपकी बहुत आगे की सदियों को बचाने के लिए सफिशेंट होगा। मेरी आशा है आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से और सिंसियरिटी से सुनेंगे, और आशा है कि आप घरों में रह के सोशल डिस्टेंसिंग करके इस भयावह बीमारी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। City Live, a platform to sharing your thoughts.